हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉप एग्रीकल्चर जॉब के बारे में। अगर मैं बात करूं, बैंक के अंदर इससे बड़ा अधिकारी नहीं होता है। बैंक के अंदर इससे बड़ा अधिकारी एग्रीकल्चर का तो नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आप मैनेजर की बात करते हैं तो सबसे जो देखो चीफ मैनेजर होता है वो तो अपना एक्सपीरियंस के आधार पर वो प्रमोशन होता रहता है। बट मगर बात करूं मैं अगर मैं रिटर्न की बात करूं अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न में अगर रिटर्न के थ्रू अगर किसी का डायरेक्ट मैनेजर में पोस्टिंग होता है तो एग्रीकल्चर की टॉप मोस्ट जॉब है। एग्रीकल्चर की टॉप जॉब है बैंक के अंदर, ठीक है। और इसमें वर्क की बात करें तो इतना हार्ड वर्क भी नहीं होता है जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा काम करना होता है। बट अगर हम बात करें जो RRB होते हैं, यानी कि आपका जो रूरल ग्रामीण बैंक होते हैं, RRB या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, अगर हम इसकी बात करें तो ये ज्यादा इसका क्या नहीं होता है, इसका ज्यादा वर्क नहीं होता है, लेकिन इसकी सैलरी काफी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या RRBSO स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोलते हैं इसको, ये बहुत सारे लोग इसको मैनेजर भी कहते हैं, एग्रीकल्चर मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो 5 साल के बाद बनेगा, यानी कि IBPS में जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर कैंडिडेट होता है वो 5 साल के बाद मैनेजर बनता है। क्या बनता है? मैनेजर 5 साल के बाद। लेकिन अगर कोई BSc अगर कोई डायरेक्ट मैनेजर बनना चाहता है तो वो RRB में जा सकते हैं। ओनली एक रिटन एग्जाम होता है, एक इंटरव्यू होता है, उसके थ्रू आप उसमें जा सकते हो। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले, पूरी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर हम पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपसे, हर चीज के बारे में बात होगी, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात होगी, एज क्राइटेरिया के बारे में बात होगी, एक्सपीरियंस, जो बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है एक्सपीरियंस के बारे में, तो एक्सपीरियंस के बारे में पूरा डिटेल्स होगा, और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये IBPS है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे IBPS.in, या फिर आप लिख सकते हो IBPS.in। लिखने के बाद आपको इस तरह का वेलकम आता है, वेलकम टू IBPS, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर जो बैंक से संबंधित कोई भी बैंक हो, IBPS जिसको कराता है, कंडक्ट जिसको IBPS कराता है, उसके सारे सभी के रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर हो, या मार्केटिंग ऑफिसर हो, लॉ ऑफिसर हो, पर्सनल ऑफिसर हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो, या आपका RRB एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, या फिर RRB के अंदर जो भी PO होते हैं, स्केल ओवन ऑफिसर होते हैं, या उसके बारे में, तो यहाँ पर सभी की डिटेल्स मिल जाती है। आप सब यहाँ पर जाकर देख सकते हो, ये यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन चलता रहता है, जब भी कोई अपडेट आती है तो आप यहाँ पर लिंक के थ्रू देख सकते हो। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जा सकते हो। ये तो RRB का सेक्शन है, ये कलर का सेक्शन है, ये PO का है, और ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है। तो आप किसे, आपको क्या देखना है, RRB देखना है। तो RRB के अंदर ही स्केल टू ऑफिसर होता है बैंक के अंदर, स्केल टू ऑफिसर जिसे एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट ऑफिसर या एग्रीकल्चर ऑफिसर या मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम इस पर क्या करते हैं, RRB पर क्लिक कर देंगे। आप देख लेंगे यहाँ पर इस तरह का, ये RRB कलर है, इस पर नहीं करना है आपको, RRBs पर करना है, ठीक है। तो आपको RRBs पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट आप इनसे कर सकते हैं। कोई डाउट है अगर किसी को किसी तरह का, तो वो एग्जाम के रिगार्डिंग ये आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पर भी क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अभी RRB में जो कॉमन नोटिफिकेशन निकाला था उस पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपका है ऑफिसर असिस्टेंट जिसे आप क्लर्क कहते हो, ये PO है, और ये स्केल टू ऑफिसर है। स्केल टू ऑफिसर या इसके अंदर दो वैकेंसी आती है, एक तो स्केल टू ऑफिसर होता है, एक स्केल थ्री आता है। स्केल थ्री में आपका GBO आता है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, GBO जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसे ये भी मैनेजर की पोस्ट होती है। और जो स्केल टू एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है वो मार्केटिंग ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर होता है, ये सारे स्केल टू के अंतर्गत आते हैं। तो हमें क्या करना है, रिजल्ट अगर आप बात करें तो आप इसका कट ऑफ भी देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट भी बताऊंगा क्या कट ऑफ रहा, ठीक है, कितना कट ऑफ गया है सभी का, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका एप्लीकेशन भी प्रिंट है। अभी क्या हुआ है, एक्चुअली इनका अलॉटमेंट हुआ है 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2024 में अलॉटमेंट हुआ है इसमें। तो इस वजह से यहाँ पर अगर किसी ने प्रिंट नहीं निकाला था उसके लिए आगे
प्रिंट के लिए ऑप्शन खुला था बट यहाँ पर ओवर हो चुका है, तो हम इसका नोटिफिकेशन देखेंगे। नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा है, ये प्रोविजनल अलॉटमेंट है, ठीक है, नोटिफिकेशन है ये। हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर देखेंगे 1 जून 2023 को आया था ये, हर साल आता है, हर साल ये जून में ही आता है, अब की बार जून 2024 के अंदर आएगा, इसका कैलेंडर भी जारी हो चुका है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर हमने एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने के बाद आप इस पर ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन हो जाने के बाद आपको इस तरह का ये पूरी डिटेल है, आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये इंडेक्स है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वहां पर ही ओपन कर देता है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पर क्लिक किया तो इंट्रोडक्शन हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। ये आपका जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमें इसका एलिजिबिलिटी और आपको इसका सिलेबस दिखना है, तो एलिजिबिलिटी और सिलेबस पे हम चले जाते हैं। चलो हम वहां से जाते हैं, यहाँ पर देख लेंगे एलिजिबिलिटी, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के रहने वाले कैंडिडेट होने चाहिए, पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एज ए मैनेजर भी आप कह सकते हैं, ठीक है, एज ए मैनेजर ही काम करते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या चाहिए, एग्रीकल्चर का हमको देखना है, तो हम देखेंगे नीचे लिखा है एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये रहा बीएचलर डिग्री एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डेयरी एनिमल हस्बेंड्री फॉरेस्ट्री वेटरनरी साइंस, आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फिजिकल्चर किसी से भी हो, लेकिन 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए उसके लिए। आपके फिलहाल 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस की बात करें तो रिलेवेंट फील्ड है बीएससी एग्रीकल्चर में, के बाद अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस किया है तो आप एलिजिबल हैं। अब एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा एक्सपीरियंस इनमें चलता है, उसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न देख लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पेपर है, एक ही पेपर होता है, एक ही मेन एग्जाम होता है, प्री वगैरह कुछ नहीं होता है, एक मेन एग्जाम होता है, एक इंटरव्यू होता है। अगर आपने इन दोनों में मेहनत कर लिया है, मेंस एग्जाम में अच्छे से कर लिया है, तो इंटरव्यू में अगर आपने अच्छे से स्कोर कर लिया है तो आपको सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यही है कि थोड़ा सा आपका रिटर्न अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके लिए सिलेबस की बात करें तो आप सिलेबस में हम देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाता है। प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाती है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स ही होती है एग्रीकल्चर, जिसे आप कह सकते हो। रीजनिंग पूछा जाता है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। आपका जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश की जगह आप हिंदी भी ले सकते हैं, आपके पास हिंदी का भी ऑप्शन होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के होते हैं, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के कंप्यूटर उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद ये टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 240 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे 30 मिनट का समय होता है, यानी कि 2.5 घंटे का इसमें समय आपको मिलता है। ठीक है, एक ही एग्जाम होता है फ्रेंड्स। बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यदि बीएससी एग्रीकल्चर उसके पास है और 2 साल का अगर उसने काम किया है, 2 साल का काम किसमें करें, हम एक्सपीरियंस के बारे में अभी बताएंगे, थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये एग्जाम पैटर्न हो गया आपका। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ वही रहता है कि आपको कितने कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, मिनिमम स्कोर होना चाहिए और उसके बाद 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 टाइम्स एक सीट पर 3 कैंडिडेट को बुलाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पिछले साल डाउट रहा कि जिनका इंटरव्यू जिनका रिटर्न क्लियर हो गया था उसको उनको ये रहा कि 5 को बुलाया गया इंटरव्यू में, 10 को बुलाया गया, नहीं बिल्कुल नहीं है। अगर वैकेंसी निकली है, 10 वैकेंसी निकली है तो उसको कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 30 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि एक सीट पर 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 से कम हो सकता है, 2 हो सकते हैं 1.5 हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जो एक सीट होती है एक सीट पर 3 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, इसका ध्यान रख लेना। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर है, सब कुछ इसमें लिखा है, ये सब चीजें तो आप लोग जानते होंगे, सब कुछ हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें कि इसमें एक्सपीरियंस किसका चलेगा, कि वह कौन कैंडिडेट होंगे जिसका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, तो एक्सपीरियंस के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ध्यान से सुन लेना, एक्सपीरियंस के लिए बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। अगर आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट में काम करते हो, संस्था होनी चाहिए, और 2 साल अगर आपने काम किया है, अगर आप वेटरनरी साइंस में काम करते हो, वेटरनरी डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप एलिजिबल हो।
यदि आपने पेस्टिसाइड में काम किए हैं 2 साल आप एलिजिबल हो। आप किसी आत्मा में हो, आत्मा एजेंसी है, आप उसमें अगर आपने एज ए प्राइवेट काम किया है 2 साल तक अगर आपने काम किया है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने सीर कंपनी में किसी में काम किया है 2 साल तक, लगातार 2 साल होने चाहिए, उसके बाद आप कहीं अगर छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल लगातार आपका काम होना चाहिए, कंटिन्यू लिखा होना चाहिए उसमें कि आप 2 साल तक काम करेंगे। उसके बाद अगर आपने किसी भी, अगर आप टीचर हो, एज ए प्रोफेसर हो, प्रोफेसर है किसी टीचर हो, किसी ग्रेजुएट टीचर कॉलेज में पढ़ाते हो, एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हो और आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपने 2 साल वहां पर पढ़ा लिया है तो आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि इसमें एलिजिबिलिटी में अगर जो टीचर है, टीचर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि टीचर को काउंट नहीं करते, कुछ कुछ इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं, कुछ पैनल ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू में टीचर को कम मार्क्स देते हैं और कुछ जगह तो उसको क्या नहीं किया जाता, कुछ जगह तो उसको कंसिडर भी नहीं किया जाता कि ये एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। गुजरात की बात बताऊं तो गुजरात स्टेट जो है, गुजरात स्टेट में जो टीचर होते हैं उसको क्वालिफाई, नॉट क्वालिफाई यानी उसको, उसका जो इंटरव्यू है उसे नॉट क्वालिफाई कर देते हैं वहां पर। उसका रिजल्ट, उसका सबूत मैं आपको दूंगा, मेरे पास प्रूफ है। तो इसलिए अगर जो गुजरात कैंडिडेट है, गुजरात से जो बिलोंग करते हैं, अगर वो आरआरबी स्केल टू एग्रीकल्चर ऑफिसर में अप्लाई करना चाहता है, अगर वो टीचर है तो वो अप्लाई ना करे, अगर वो टीचर है तो अप्लाई ना करे क्योंकि आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टीचर को लिया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर टीचर को अच्छे नंबर दिए जाते हैं। जो टीचर होता है या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर होता है प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता है एज ए डिग्री कॉलेज में और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो काम करता है तो अच्छे नंबर वहां पर महाराष्ट्र में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी अगर आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई करते हो, लखनऊ में इसका इंटरव्यू होता है, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर, वहां पर ही इसका इंटरव्यू होता है, वहां पर अच्छे नंबर भी दिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वहां पर टीचर को, टीचर एलिजिबल है, वहां पर क्या है, टीचर एलिजिबल है। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप किसी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हो तो आप एलिजिबल हो। अगर आप किसी सरकारी में हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, एएफओ हो, आप 2 साल तक काम कर चुके हो तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि लखनऊ में जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था तो उस समय बहुत सारे कैंडिडेट जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के थे, एएफओ थे, 2 साल उन्होंने कंटिन्यू काम किया है, वे एलिजिबल है, उनको वहां पर रखा गया था, आप उनका इंटरव्यू होया है। तो इंटरव्यू में नंबर कम मिले या ज्यादा मिले वो अलग बात है, लेकिन एलिजिबिलिटी है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप एग्रीकल्चर में, अगर आप कुछ भी एग्रीकल्चर जुड़ा है आपके डिपार्टमेंट के नाम, तो अगर आप एग्रीकल्चर एज ए प्रोजेक्ट में काम करते हो, तो डेयरी के प्रोजेक्ट है, कोई सीड का प्रोजेक्ट है आपको, वीट का प्रोजेक्ट है आपका, कुछ भी जितने भी प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर से संबंधित चलते हैं, आप उसके इसमें एलिजिबल हो, आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और नंबर अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के, आप अच्छा से क्वेश्चन का आंसर देते हो या नहीं। तो मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था, मेरा भी इंटरव्यू हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपका जो आरआरबी होता है, आरआरबी से मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरबी के इंटरव्यू में कि जो जो नाबार्ड होता है, नाबार्ड का ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रोल है, नाबार्ड का ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रोल है। उन्होंने आरआरबी को हटा दिया, उन्होंने पूछा नाबार्ड का ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रोल है। तो मैंने उनसे कहा, मैम का एक क्वेश्चन था, तो मैंने कहा मैम जो नाबार्ड होते हैं वो आरआरबी को रिकैपिटलाइज करने का काम करते हैं और आरआरबी ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई को बूस्ट करने का काम करते हैं। तो वे मेरे से इंप्रेस हुए, मुझे अच्छे नंबर मिले, 76% नंबर मुझको मिले आउट ऑफ 100 में से, 100 में से 76 नंबर मुझे नहीं लगता वहां पर किसी को मिले होंगे, ठीक है। 76 और 80 के बीच में नंबर बहुत कम कैंडिडेट को दिए जाते हैं 100 में से 100 में से। तो डिपेंड करता है कि आप, आपका क्या व्यवहार है, आप कैसे बात करेंगे, कितना इलेबोरेट क्वेश्चन को आंसर देंगे, कितना छोटा करेंगे, जितना क्वेश्चन को छोटा कर सकते हो इतना कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ क्या काम करते हो, मैंने एक्सपीरियंस में बता दिया था कि मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में है, और मैंने उनको उनसे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा मुझे सर इंटरेस्ट है बैंक में, इसलिए मैं बैंक में आना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें थी, उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछे। बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट में 2 साल तक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होना चाहिए, अगर आपने काम किया है तो आप एलिजिबल हो, आप आराम से तैयारी इसकी कर सकते हो।
तो ये मैंने आपको इसका सिलेबस बता दिया, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। इंटरव्यू में आपसे आरआरबी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो एक्सपीरियंस है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब रिजल्ट की बात करें तो इसका कट ऑफ जो गया था, कट ऑफ की बात मैं बता देता हूँ। इसका जो कट ऑफ गया था 26 पॉइंट समथिंग पर गया था, आउट ऑफ 200 में से इसका कट ऑफ 26 पर गया था अब की बार, जो इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 26 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन किसका हुआ है? सिलेक्शन हुआ है जिसका 65 से 70 क्वेश्चन सही थे। कितने? 65 से 70 क्वेश्चन। अगर उन्हें इंटरव्यू में 65 से 70 क्वेश्चन जिसके सही थे, उनको अगर इंटरव्यू में 10 नंबर 12 नंबर भी मिल गए हैं तो उनका सिलेक्शन इसमें हुआ है। ठीक है, तो अगर आप 200 में से अगर आप 70 से 80 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका हो सकता है कि इसमें सिलेक्शन हो जाए। और फाइनल मेरिट की बात करें तो फाइनल मेरिट में 100 में से 38.33 लगभग गई थी। ये आपको ओबीसी की मैं आपको बता रहा हूँ जो रिजर्व रही है। तो यानी कि अगर बात करें 100 में से 39 से 40 वालों का सिलेक्शन हो गया है, उनको बैंक भी अलॉट कर दिए गए हैं, उनका वेरिफिकेशन चला हुआ है अभी। कुछ बैंकों ने बुला लिया है, जैसे कुछ बैंक है यूपी बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, उनको वेरिफिकेशन करा लिया है। बाकी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कुछ बैंक ऐसे हैं जो आने वाले समय में क्या कराने वाले हैं, वेरिफिकेशन कराने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको देखो इसका कैलेंडर जारी हो चुका है। अगर आप कैलेंडर देखना चाहें तो कैलेंडर देख सकते हो, इसका एग्जाम कब होने वाला है केवल, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैलेंडर जारी हो चुका है इसका। ठीक है, आप थोड़ा सा इधर देखोगे तो कैलेंडर भी इन्होंने टेंटेटिव कैलेंडर जारी कर दिया है। तो उसके बारे में बता देता हूँ कि इसका एग्जाम अब कब होगा। ये वीडियो आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 1 क्लर्क सभी के लिए है, वो आप देख सकते हैं हर जगह। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 के लिए है ये, नहीं, ये सभी के लिए, चाहे वो पीओ हो चाहे वो आपका क्लर्क हो, सभी के लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये स्पेशल एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, आपको आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो टेंटेटिव डेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आएगा टेंटेटिव डेट कैलेंडर, यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है टेंटेटिव कैलेंडर, ये कैलेंडर जारी हो चुका है, इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खुल जाएगा ये दोबारा। मैंने तो एक बार डाउनलोड किया है फिर दोबारा कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इनके सभी के एग्जाम है, ये आरआरबी स्केल 1 है आपका, या क्लर्क है या ऑफिस असिस्टेंट को क्लर्क ही बोलते हैं, क्लर्क है। तो उनके एग्जाम कब होने वाले हैं? 2024 में उसकी डेट आ चुकी है। स्केल 2 का एग्जाम होने वाला है 29/9/2024 में एग्जाम होने वाला है। मैंने आपको पहले बताया पीओ का एग्जाम कब होगा, कलर का क्या होगा, सब कुछ इसमें है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, मैंने जो बताया। तो यदि किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का है, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। बट मुझे लगता है कि मैंने सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है, बट फिर भी अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा एग्री विद कीवर्ड्स ऊपर लिखा है और ऊपर मेरा एक नंबर है, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो मैं वहां पर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूरा जो होता है सही दी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी जब भी आगे के लिए आप, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।